यस बेटा, हाँ गणेश, रिपीट योर डाउट। कल जो वर्क भेजा वो समझ में नहीं आया। कल तक का जो हम बात कर रहे थे पार्ट ए, इस पार्ट ए में था कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, थर्ड पॉइंट था विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये जो विजुअल कम्युनिकेशन, जितना भी यूनिट फर्स्ट में जो सेशन फर्स्ट था वो कल तक कंप्लीट हो गया था, उसमें था क्या? देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको भेजा था इसके अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ऐसे कुछ होगा, और डिसएडवांटेज नहीं भेजा, ओनली फॉर एडवांटेज। विजुअल कम्युनिकेशंस के क्या क्या फायदे होते हैं वो नुकसान नहीं भेजे। तो वो क्या है कि फाइल मेरे पास रह गई थी, इस वजह से वो सेंड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो एक तो था किसका, नॉन वर्बल, हाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के एडवांटेज थे, सो सॉरी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के एडवांटेज थे। क्या बोल रहे हो? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के एडवांटेज थे, और उसके अलावा जो कल क्लास में मैंने बताया था वो था, और एक उसमें एक्सरसाइज थी जिसपे साफ साफ लिखा हुआ था ऊपर ऊपर एक्सरसाइज, और वो जो क्विक बाइट्स थी, मतलब सेशन फर्स्ट की जो क्विक बाइट्स थी, सेशन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था कल की क्लास में, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी जो क्विक बाइट्स में है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, उसी के बेस पे क्या थी हमारे पास कुछ एक्सरसाइज थी, उनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैंने उनमें सोल्व नहीं किया, वो अनसोल्व क्विक बाइट्स थी, और आपको क्या करना है, उनको सोल्व करना है। यदि आप उनको सोल्व करोगे तो ठीक है, नहीं अदरवाइज मैं फिर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में आज मैं भेज दूंगा आपको, जहां आपको असाइनमेंट मिला है उसी असाइनमेंट में सॉल्यूशन भी होगा, तो सॉल्यूशन आज मैं भेज दूंगा आपको, कि इनकी जो क्विक बाइट्स की एक्सरसाइज थी उनके आंसर आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे। तो वो इसलिए मैंने भेजा था कि आज का टाइम आपके पास था, मतलब आप खुद एक बार ऑब्जर्व करते कि मैंने क्या पढ़ाया है। उसमें क्वेश्चंस था कि मेंशन टू एरियाज वेयर विजुअल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिवली यूज्ड, तो आपको मेंशन करना है, दो के बारे में बताना है कि वो जो विजुअल कम्युनिकेशंस के से रिलेटेड जो इफिशियंस और इफेक्टिवली थी तो वो कौन कौन से थे। उसमें आपको मैंने बताया था दो, एनी टू बताने हैं, तो एक तो बता सकते हो नो पार्किंग, दूसरा कौन सा हो सकता है, नो एंट्री, नो मोबाइल फोन। तो ये क्या है कि इनके बारे में आपको बताना था। उसी के साथ में था कि डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये मैंने आपको क्लास में, मतलब कि स्टार्टिंग में जब बेसिक बताया था तभी भी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, देन उसके बाद में जब इनकी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे थे इनको, तब भी मैंने इनकी डेफिनेशन और विद कंप्लीट कंटेंट्स समझाया था। तो इनके आंसर्स आप बहुत आसानी से राइट कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशंस की एक पीडीएफ फाइल बना के आपको भेज दूंगा। यही था, और क्या समझ में नहीं आया? स्टडी मटेरियल में वही भेजा था जो क्लास के अंदर बोर्ड पे करवाया जाता है, वो वही चीज मैं क्या करता हूँ, एक जो पेपर होता है उस पे राइट कर देता हूँ जो क्लास में, अभी जब ये बोर्ड पे है तो बोर्ड पे क्या है कि ये जो सारी चीजें लिख रखी है ना, इन्हीं को ही मैं क्या कर, पहले से ही मैं क्या कर लेता हूँ, एक नोटबुक पे राइट कर लेता हूँ, वो पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। बहुत बार क्या होता है, बोर्ड की पिक्चर क्लिक करके आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाती है, तो बोर्ड पे क्या होता है कि पिक्चर क्लिक नहीं कर पाते तो रफ कर देते हैं, और आपको या तो फिर दोनों में से एक काम करना है, या तो मैं जब राइट कर रहा हूँ तब राइट करते रहो, तो उसमें क्या है कि आपका टाइम ज्यादा यूज होगा, और यहाँ समझ लेंगे और फिर मैं आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको क्या है वहां पे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये इसलिए, और बाकी और जो स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं वो आपको राइट नहीं करना। ऑल में क्या क्या दे रखा है, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है, कुछ क्विक बाइट्स हैं, कुछ क्विज हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्विज। इसके अलावा जो कंप्लीट बुक है, बुक में से पार्ट ए का पीडीएफ है, बुक 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 का पीडीएफ है। उसके अलावा इसमें क्या दे रखे हैं कि जो यूनिट मैंने आपको पढ़ा दी है, मतलब कंप्लीट ए सेशन कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो और इनके अलावा नोट्स हैं, नोट्स का मतलब कि जो पार्ट ए था, इस पार्ट ए का कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है,
जो पहले जो 10th क्लास में स्टूडेंट थे उनको प्रोवाइड करवाया गया था, तो वो कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास था, तो वो स्टडी मटेरियल पे आपको अपलोड करके दे दिया गया है। तो आप जब भी आपको जरूरत हो तो उस वक्त आप उसे डाउनलोड करके आसानी से समझ सकते हो, और उन्हीं चीज को मैं रेगुलर क्लासेस में समझा रहा हूँ, उन्हीं चीज को। सैंपल पेपर भी भेज रखे हैं 2019, 18 और सॉरी 19 और 20, और 20 और 20 सॉरी 18, 90 और 19, 20, ये जो पेपर है सैंपल पेपर भी आपको वहां भेज रखे हैं। अब ये जो 2021 का है तो ये अभी आया नहीं, तो जैसे आएगा तो ये भी आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा। कि सैंपल पेपर का एक पैटर्न है कि पेपर कैसा आएगा, वो चीजें भी आपको, अब वो राइट करने के लिए तो है नहीं, वो उन चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो आपको स्टडी मटेरियल में दिया गया है। समझ रहे हो इस बात को? जो मैं ये अभी हैंड्स के साथ में जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, हैंड्स के साथ में जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये आपके क्विक बाइट्स का पहला आंसर है कि मैं स्पोकन लैंग्वेज को यूज करके लेकिन मेरे बॉडी पार्ट्स के जो हैंड्स भी काम कर रहे हैं, बीच बीच में बोल भी रहा हूँ, हैंड्स भी काम कर रहे हैं, तो ये आपके जो क्विक बाइट्स है उसका फर्स्ट का आंसर है ये, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत इजी वे में क्वेश्चंस नॉर्मल है, आप कर सकते थे, फिर भी आपको डाउट है तो मैं समझा दूंगा। यस बिल्कुल शालू, एडवांटेज भेजा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, डिसएडवांटेज मतलब इसके नुकसान नहीं भेजे, तो वो भी भेज देंगे आपको, ठीक है ना, और उनको समझा भी देंगे कि एडवांटेज के जो 5 पॉइंट्स थे वो क्या हैं, उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है उनको भी समझा देंगे। डोंट वरी, वो मेरा काम है बेटा, आप तो सिर्फ मुझे अपनी टेंशन स्टडी से रिलेटेड मुझे बता दीजिए, आपकी टेंशन नहीं हो, वो टेंशन मुझे दे दीजिए, आपकी टेंशन मुझे बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। तो वो बता देंगे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, राइट कर रखा है उन पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा, और समझाने का पैटर्न वही होगा, इस तरफ से एडवांटेज है उस तरफ से डिसएडवांटेज। इजी रहेगा कि दोनों में क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में बिटवीन में क्या करना है, इन दोनों के बीच में अपने को डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो दोनों सामने रहेंगे तो इजी वे में आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आज की क्लास स्टार्ट करें। चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट की हम डिस्कस कर रहे थे, और जो पार्ट था ए का, वेरी गुड मॉर्निंग, पार्ट ए में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स दे रखे हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को हम बुक के अकॉर्डिंग कहते हैं सेशन, और इन्हीं सेशन में हमने कंप्लीट 1 तो कर लिया। अब इस यूनिट में जो कंप्लीट सेशन थे वो 5 सेशन थे, कंप्लीट 5 सेशन। अब इस यूनिट में पार्ट ए की यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट सेशन 5 थे, और इन्हीं सेशन को हम क्या कह रहे थे, पॉइंट अकॉर्डिंग कंप्यूटर लैंग्वेज के सेशन, जिसमें से फर्स्ट सेशन कम्युनिकेशन स्किल वो कंप्लीट हो चुका है, सेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। तो अब कौन सा आएगा भाई, 5 थे तो अब कौन सा आएगा, सेशन नंबर सेकेंड, और सेकेंड सेशन का जो नेम है, डिस्कस हो रही है पार्ट ए यूनिट नंबर फर्स्ट, और इसी का जो पॉइंट है जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, सेशन, वो सेशन नंबर सेकंड है, और इस सेकंड सेशन का जो नेम है वो है फीडबैक। क्या नेम है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि हम क्या, रेस्पॉन्स, फीडबैक का मतलब रेस्पॉन्स, कि वो वापस मुझे क्या मिल रहा है, जो मैंने उसको दिया तो वापस भी जो चाहिए मुझे, तो वापस का मतलब रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या हुआ, फीडबैक, यही है। और ये यूनिट नंबर, मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट और सेशन नंबर सेकंड की डिस्कस हो रही है, और इसमें कंप्लीट 5 है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ये यूनिट सेकंड थोड़ी है, नहीं सेकंड नहीं है, फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट है जिसको सेशन नंबर सेकंड कहा जाता है, जिसका नेम फीडबैक होता है। अच्छा, फीडबैक क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नेम है फीडबैक, तो फीडबैक में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक, कि फीडबैक आखिर है क्या, क्या होता है फीडबैक। तो सिंपल से सबसे पहले इसकी जो आएगी वो आएगी डेफिनेशन, कि फीडबैक होता क्या है, और डेफिनेशन की जब हम बात करें तो सिंपल सा है, क्या है, इट इज द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर, इट इज द रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मिल रहा है, गिवन बाय द रिसीवर वंस ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज, मतलब कि जो रिसीवर के पास में जो मैसेज भेजा जाता है
और जैसे वो मैसेज को समझता है, अंडरस्टूड का मतलब क्या हुआ, उसे समझना, अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, किस चीज को समझने के लिए कह रहा है, दी मैसेज, मतलब कि सेंडर के द्वारा भेजा किसके पास गया है, रिसीवर के पास में, रिसीवर के पास में जो मैसेज प्राप्त होता है उस मैसेज को वो क्या करता है, समझता है, माइंड में प्रोसेस करता है कि उसने सामने वाले ने मुझसे क्या पूछा है, उसी से रिलेटेड मुझे क्या करना है, उसको जवाब देना है। तो जवाब देने से पहले रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को पूरी अच्छी तरीके से समझता है और सोच समझ के क्या करता है, वो उस पर फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब उसको रेस्पॉन्स देगा, उसको जवाब देगा कि आपने मेरे को जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड मैं क्या दूंगा आपको जवाब। तो वो ये है, सिंपल सी बात है कि जो रिसीवर होगा वो रिसीवर क्या करता है, सेंडर के द्वारा जो दिया गया मैसेज है उसको आसानी से प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसी से रिलेटेड क्या देगा वो, उसको रेस्पॉन्स देगा, क्या देगा, रेस्पॉन्स। ऐसे तो है नहीं कि क्वेश्चन पूछ लिया, ध्यान कहीं और है, तो इसका मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि सोच समझ के जवाब देना चाहिए। बहुत बार होता है ना कि शब्दों को तोल तोल के, मतलब वहां शब्द को तोला थोड़ी जाता है, नहीं, उसका वेट नहीं किया जाता, शब्दों को तोलने का मतलब क्या होता है, सोच समझ के हमें क्या करना है, जवाब देना उसको, हर एक वर्ड्स की वैल्यू को समझ के फिर सामने वाले को क्या करना है, फीडबैक देना है, ताकि हमारा जो रेस्पॉन्स हो वो अच्छा हो, पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो। और इसी पॉजिटिव की बेस पे इसी फीडबैक को 3 भागों में बांटा गया है। फीडबैक को कितने भागों में बांट दिया गया, 3, मतलब कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक, मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक, तो विच नेम मस्ट टाइप्स ऑफ फीडबैक। अब इसी से रिलेटेड देखो दूसरी डेफिनेशन, ये इजी डेफिनेशन है, ये थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग है, तो इसमें देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर, यहां इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सेंडर है, रिसीवर एंड नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस, वही चीज है जो यहां एक्सप्लेन की जा रही है, वही चीज यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है, मतलब कि यहाँ पे जो सेंडर है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि यदि रिसीवर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ सेंडर नहीं होगा तो उससे रिलेटेड कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे रिसीवर हूँ इसलिए मैं क्या हूँ, एक इंपोर्टेंट पार्ट हूँ, आप लोग क्या हो, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ और मैं इंपोर्टेंट पार्ट हूँ, और इसी वजह से आप लोग क्या हो, आप लोग रिसीवर, आप रिसीव कर रहे हो, उसे प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा उसी से रिलेटेड मुझे क्या चाहिए, जवाब चाहिए। अब आप क्या हो, वेरियस टाइप के स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हो, किसी का आईक्यू लेवल अप है, किसी का डाउन है, तो उसमें होता है क्या कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा तो उसके अलग अलग जवाब मिलेंगे मुझे, अलग अलग जवाब इसलिए मिलेंगे, तो उनमें से मैं क्या करूंगा, उसमें छांट लूंगा उनको छांटूंगा कि कौन सा बेस्ट जवाब मुझे मिला है। उसमें देखो कि कई मुझे मतलब टाइप्स मिलेंगे, इसमें कोई बहुत अच्छा बताएगा, कोई नेगेटिव बताएगा, कोई कुछ बताएगा ही नहीं, तो ये क्या, किसमें काउंट करूंगा फिर, इनको टाइप्स में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सा है कि टाइप्स ऑफ फीडबैक कितने हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक। फर्स्ट होगा आपका पॉजिटिव फीडबैक, कि बहुत, जैसे हम किसी से कोई भी वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो जो हम पूछना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक लीगल केस है या फिर एक केस केस से रिलेटेड हम एडवोकेट के पास में जाते हैं, तो एडवोकेट से हम क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो एडवाइस, एक एडवोकेट ऐसा है जो हमें बहुत अच्छा क्या करता है, जवाब देता है, फीडबैक देता है, उससे हमें क्या हो जाता है कि एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ हम अपना केस इसी को देना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स। एक एडवोकेट ऐसा है जिसके पास हम जाते हैं लेकिन फुल एंड फाइनल सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, हम सेटिस्फाइड ही नहीं है उस बात से, इसलिए है लेकिन 50% है, 50% नहीं है, तो उसमें क्या है, एक बैलेंस हो गया कि 50% हमारे पास क्या है कि हाँ इसका इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें जवाब अच्छा मिल रहा है, लेकिन 50% ऐसा है कि उसमें असमंजस वाली कंडीशन आ चुकी है, इस वजह से क्या हो जाता है कि वो एक नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। थर्ड होता है नो फीडबैक, नो का मतलब कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, तो एक एग्जांपल ये मान लेते हैं फीडबैक का, कि जैसे मोस्टली किसी की, हाँ मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी एंगेजमेंट की जो चर्चा है वो चल रही है, देन अब वो चल रही है तो जैसे कि मैंने वो प्रोसेस आगे धीरे धीरे बढ़ा, तो वो क्या है, बातें रुक गई बीच में, एंगेजमेंट के लिए वो बातें रुकी हुई है, तो रुकी हुई है कि उन्होंने कहा कि भाई एक दूसरे को देख लो, पसंद कर लो, उसके बाद में शादी का आगे प्लान बनाया जाता है, तो उन सामने वाले ने कहा कि मुझे 2-4 दिन का टाइम चाहिए सोचने के लिए,
तो फिलहाल जो प्रेजेंट में जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो नो फीडबैक की हो रही है, हमें ना तो हाँ हुआ और ना ही ना हुआ, तो वो जो फीडबैक है वो फिलहाल की कंडीशन में कैसा है, नो है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2-4 दिन बाद में बताते हैं, तो नो, उसी के साथ में यदि वो कहते हैं कि हाँ हम एग्री हैं तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो गए। उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ये रिलेशन, इसका मतलब वो फीडबैक ऐसा हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव यस नेगेटिव नो, और कुछ भी नहीं चल रहा उसमें, बिल्कुल शांत है, वो हो गया कौन सा, नो फीडबैक। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ए गुड फीडबैक इज वन दैट इज, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि सबसे पहले सेशन का नेम आया फीडबैक, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक, फीडबैक सेकंड डेफिनेशन एंड टाइप्स, और देयर आर थ्री टाइप्स, इन थ्री टाइप्स के बारे में आपको क्या बताया, पॉजिटिव नेगेटिव और नो फीडबैक। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को यदि दिक्कत है तो बताइए, फिर इन्हीं से रिलेटेड आगे का जानते हैं। शोर ऑफ, खुशी, सेलेस, 60 स्टूडेंट है, 137 आदिति, इट्स ओके, चलें आगे। चलिए अब आगे तो रफ नहीं कर रहा मैं, अभी तो ये और बचना है, इसको और समझना है, कुछ भी रफ नहीं कर रहा, ध्यान दो। यस, ए गुड फीडबैक इज वन दैट इज, मतलब एक अच्छा फीडबैक कौन सा होता है भाई, सबसे अच्छा फीडबैक कौन सा माना जाता है, पॉजिटिव फीडबैक यही माने जाएगा। कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो सबसे अच्छा फीडबैक माना जाता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक हम चाहते हैं, हमें जो भी आप क्या चाहते हो, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छा का मतलब पॉजिटिव हुआ, अच्छा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। बस एक कोरोना में पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ कौन सा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, कि कोरोना में हमें पॉजिटिव चीज, पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव से नफरत हो रही है, नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। चलिए, तो एक गुड फीडबैक इज वन दैट इज पॉजिटिव, इसी के साथ में 2 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है कि स्पेसिफाइड टाइमली पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर ज्यादातर जो होता है ना, लोगों को ट्रस्ट दिलाया जाता है, आपने देखा नहीं कि स्पेसिफाई किया जाता है, एक नेता होता है इस तरीके से ट्रस्ट दिला देता है, वो क्या करता है, अपना जो रेस्पॉन्स देता है सोसाइटी में एक लार्ज गैदरिंग के अकॉर्डिंग, जो एक सोसाइटी में मैसेज देता है वो कैसा देता है, बी पॉजिटिव देता है। कभी भी आपने किसी लीडर को सुना है ऐसे गलत गलत कमेंट करते हुए, नहीं कभी नहीं होगा। तो एक जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, तो उस राजनीति में एक टाइमली क्या करते हैं, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं लोगों को, चाहे वो ऐसे डिमांड्स को पूरा करे या न करे, लेकिन वहां पे एक पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यदि वो एक असेंबली को कंडक्ट कर रहे हैं, उस असेंबली में मोस्टली वो क्या करते हैं, अपनी टाइमिंग ऐसी होती है उनकी कि वो हर एक कैंडिडेट को क्या करते हैं, मोस्टली ऐसा ट्रस्ट दिलाते हैं कि हम रियलिटी में आपके साथ ऐसा कर पाएंगे, हम आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, हम पूरी सोसाइटी को क्या कर देंगे, बहुत अच्छा डेवलप करेंगे, तो वो ट्रस्ट इस तरीके से बना के जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता है और कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट ऐसा होता है जो कि पॉजिटिव ही फीडबैक निकलता है। देन ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट्स, इसी से रिलेटेड क्या होता है कि पूरा समर्थन मिलता है, मतलब कि जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है उसमें देखो कि आपने कई बार देखा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारा जो फीडबैक पॉजिटिव होता है तो उसमें हमें बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलने का मतलब है कि हमारा वहां पे काम क्या है वो बहुत, जैसे कि मैं हूं, मैंने यहाँ पे मोस्टली जैसे टीचिंग मेरा सेक्टर है, तो टीचिंग सेक्टर में मैं यदि अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हुआ क्या कि वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो मेरे पास वो और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। यदि मैं कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ तो इंटरव्यू होल्डर है तो वहां इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वहां पे यदि मैं अपना रेस्पॉन्स पॉजिटिव देता हूं तो मेरे लिए वहां क्या है, बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे मुझे। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि सपोर्ट्स बहुत अच्छा मिल जाता है, यदि आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव होता है तो आपका समर्थन वहां पे बहुत अच्छा होता है, आपके लिए सपोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, आपके लिए ऑफर्स हो जाते हैं। देन इंपोर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि भाई फीडबैक की इंपोर्टेंस ही क्या है, ऐसा क्यों माना गया है कि फीडबैक की इंपोर्टेंस ही क्या है, कि जहां बात की कम्युनिकेट किया और वहीं लेट्स क्लियर मैटर को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं, आखिर है क्या इंपोर्टेंस ही फीडबैक की। यहाँ पे फीडबैक से रिलेटेड देखिए इंपोर्टेंस ही की बात करेंगे तो देखो सबसे बड़ी इंपोर्टेंस ही फीडबैक की क्या होती है, आपने मोटिवेशनल स्पीकर को देखा है।
इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो मोस्टली वो क्या करते हैं, कुछ अपने जो कम्युनिकेट करते हैं गैदरिंग के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करते हैं कि वहां पे इस तरीके के कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि उनका जो रेस्पॉन्स होता है मोस्टली पॉजिटिव होता है, वाकई में तारीफे काबिल होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे लोगों को पब्लिक सेक्टर में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स के बारे में बताते हैं जिनके लिए वो आगे जाके अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज को क्या कहते हैं, इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसन। कि इन्हीं चीजों में, सॉरी, इन्हीं चीजों में फर्स्ट तो क्या है, ये सेकंड बता दिया मैंने, फर्स्ट क्या है, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। मोस्टली क्या होगा कि यह प्रभावी है कि सुनने के लिए, मतलब एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए, एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए। देखो दो स्टोरी है, स्टोरी के लिए इफेक्टिव क्यों है, फीडबैक के लिए मैंने पूछा इंपॉर्टेंट ऑफ फीडबैक, कि यहाँ इंपॉर्टेंसी क्यों है फीडबैक की। इंपॉर्टेंसी इसलिए फीडबैक की है कि आपने देखा है कि कोई भी आपको एक स्टोरी बताता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट होता है। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मैं स्टोरी ऐसी सुना रहा हूँ तो आपको इंटरेस्ट है उस बात पे, इंटरेस्ट का मतलब टॉपिक ऐसा है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट है तो उसमें क्या है कि आप उसको बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत शांति से सुनोगे। जैसे मैं आपको जैसे मोटिवेट करता हूँ बहुत बार क्लासेस में, तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हो, तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा समझाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो सर बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें लाइफ में काम में आने वाली है। तो और टॉपिक को लेके चलते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान होता है, कुछ का नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए इंटरेस्ट नहीं रखता। इंटरेस्टेड जिस टॉपिक पे आपका होता है वहां आप पूरा अपना 100% देते हो, उसी बात को सुनते हो। चेताली, यस चेताली, जयसवाल, कोई डाउट है? वॉइस अल्टरनेट मतलब नोटिफिकेशन आया बेटा, एनी डाउट? नो सर, इट्स ओके। हाँ, तो क्या होगा कि टॉपिक इंटरेस्टेड होता है तो उसे सब लोग ध्यान से सुनते हैं, इसलिए क्या है, क्योंकि वो फीडबैक क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि टॉपिक ही ऐसा होगा बोरिंग, तो उसमें क्या होता है, नींद आ जाती है। बहुत बार हमारे समय में ऐसा होता था कि हमारे कुछ ऐसे टीचर होते थे जो कि हमें पढ़ाते थे तो हमें नींद आ जाती, तो मोस्टली उस वक्त कुछ चेंजिंग होता था, कोई ऐसा टीचर होता था जो हमें लगातार पढ़ाता, चाहे वो 2 घंटे पढ़ा ले, 3 घंटे, लेकिन इंटरेस्ट रहता था। इंटरेस्ट का मतलब हमें उस टॉपिक में इंटरेस्ट आता था। वही चीज होती है कि कोई भी चीज, हम सीरियल आप देखते हो तो उस सीरियल में क्या है, होता है आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है। कोई आपको कोई बातें कहता है, बहुत से फॉलोवर्स होते हैं आपके, तो उन फॉलोवर्स को आप फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि आपको उनमें इंटरेस्ट है, जो वो बातें बताएंगे वो आपके लिए इफेक्टिवली है, इसी वजह से वो आपसे क्या चाहिए, फीडबैक का एक बेस ही, इसीलिए वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसे आप सुनने के लिए क्या होते हो, मजबूर होते हो, मजबूर का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि आपके ऊपर प्रेशराइज किया गया है, नहीं, आप खुद इंटरेस्टेड होते हो। दूसरा क्या है, इट मोटिवेट्स, इट मोटिवेट्स का मतलब क्या होगा, सेकंड, इट मोटिवेट्स, और इट मोटिवेट्स का सिंपल सा मतलब है कि आप बहुत बार मोटिवेशन स्पीकर्स को देखते हो, जैसा अभी बताया डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, सभी संदीप महेश्वरी है, तो ये क्या करते हैं कि लाइफ को डेवलप करवाने के लिए ऐसे ऐसे आइडियाज थॉट्स शेयर करते हैं, जिन चीजों को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन लोगों को सुनते भी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहां से हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट, वो पॉजिटिव थॉट्स हमें लाइफ टाइम क्या करेगा, वो सपोर्ट करता रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम उनको सुनते रहते हैं और उन चीजों को फॉलो करते हैं लाइफ में, ताकि आगे जाके हम अपनी खुद की लाइफ को डेवलप कर सकें, कोई गलतियां न कर सके। इसलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे मोटिवेट जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो स्पीकर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो वो भी क्या है, यहाँ पे एक फीडबैक का एक इम्पोर्टेंट सी पार्ट होता है। देन थर्ड की बात करें तो इट बूट्स लर्निंग। इट बूट्स लर्निंग का मतलब सिंपल सा है कि जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो सीखा, हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखा के जरूर जाता है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा है कि इट बूट्स लर्निंग, कि यह हमें सीखने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देना, कुछ ना कुछ मतलब किसी भी चीज को बढ़ावा देना, सीखने के लिए क्या करना है, बढ़ावा देना। यदि हम किसी भी टॉपिक पे यदि डिस्कस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जरूर जाता है। कहते हैं ना कि लाइफ में
हमें बहुत बार कुछ ना कुछ चीजें सिखाती है, हमें गलतियां भी बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, अच्छाइयां हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, बुराइयां हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। मेरा एक ही मानना है, इसी थॉट्स के अकॉर्डिंग, मोटिवेट करने के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बार बार कहा है, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, कि इंसान दो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो लाइफ में गलतियां करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गलतियां की और आगे बढ़े हुए, ठीक है। तो वो उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। एक दूसरा इंसान है कि जो गलतियां कर रहा है ना उसको देखता है, जो गलतियां करके आगे बढ़ रहा है ना उस इंसान को वो देखता है कि इसने क्या गलती की है। वो सिर्फ उसकी गलती को देख के ही अपनी लाइफ में सुधार करता है कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, क्योंकि वो गलतियां करके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है? इंपॉर्टेंट पर्सन सेकंड नंबर का है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वाले की गलतियों को करके ना सिर्फ देख के आगे बढ़ रहा है, किसने ये गलती की तो मैं ये गलती नहीं करूंगा, और इसी गलती को यदि मैं दोहराता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूं। इसलिए वो दूसरे की गलती को देख के आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट यही हुआ। इसी बेस पे क्या है कि इट बूट्स लर्निंग, मतलब कि ये हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखा के जरूर जाते हैं। फीडबैक में यदि मैंने आपसे पूछ लिया, सिखाने का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया SCHOL, SCHOL, जबकि ये जो स्पेल है वो पूरी तरीके से क्या है, रॉन्ग है। क्यों? मुझे नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आती, आपने कहा सर स्पेल रॉन्ग है, तो मुझे ये जो चीज है ये लाइफ टाइम मेरी सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चीज पे यदि डिस्कस होता है तो वो लाइफ टाइम क्या हो जाती है, सुधर जाती है। मतलब कि सर यहाँ गलत है, इसमें ओ और आएगा, SCHOOL, स्कूल, तो स्कूल के अंदर क्या आएगा, डबल ओ, तो ये जो गलती हुई है ना ये लाइफ टाइम सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। इसलिए बहुत बार जो गलतियां होती हैं उन गलतियों पे भी यदि हमें कोई रोकता है, टोकता है, तो वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। हमारी गलतियां होती हैं, उनको कोई रोकता है, टोकता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद फैमिली आपके, यदि आप कोई गलत ट्रैक पे जा रहे हो, यदि फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्किल या अदरवाइज आपके जो गार्जियंस आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही होगा आपकी लाइफ का। क्यों? क्योंकि आपको उस गलतियों का एक बार वो रोक देंगे, टोक देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी ये गलती है। यदि वहां आप अपनी गलती को सुधार लोगे तो आगे जाके एक बड़ी गलती नहीं कर पाओगे, आगे जाके वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए वहां आपको रोका जाता है, टोका जाता है, तो समझ लीजिए कि लाइफ में आगे जाके वो गलती नहीं होगी। यदि उसी वक्त नहीं रोका जाए, न टोका जाए, तो आप आगे जाके वो गलती करते रहोगे कंटिन्यू। तो इसलिए जो चीजें सीखी जाती हैं, इट बूट्स लर्निंग, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ चीजें सिखा के जरूर जाती हैं, चाहे वो पॉजिटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो नेगेटिव से रिलेटेड हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो कैसा इफेक्ट होगा, ओनली पॉजिटिव ही होगा। देन पॉइंट नंबर फोर, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। हमारा जो परफॉर्मेंस होता है उसमें काफी इंप्रूवमेंट होते हैं। जैसे आज मैं क्लास ले रहा हूं, कल क्लास लूंगा, तीसरे दिन क्लास लूंगा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे लगातार। तो एक बात बताइए मुझे, आज जो मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कल लूंगा थोड़ी कम होंगी, फिर लूंगा और कम होंगी, फिर धीरे 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 वो क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगे। और उसी बेसिस पे जो रेस्पॉन्स होगा, स्टार्टिंग से नो से नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो ये क्या होता है कि हम मोस्टली ज्यादातर यह है प्रदर्शन में सुधार करना, मतलब कि उसमें क्या है कि इट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो भी काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, उसमें काफी सुधार हो जाते हैं। इसी वजह से ये क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक के इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ओनली फोर फोर पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट की डिस्कस करेंगे, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, कि जो हम ध्यान से सुनते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इसी बेस पे सेकंड क्या आता है, इट मोटिवेट्स, काफी कुछ वो हमारे लिए क्या होते हैं, प्रेरित करने वाले होते हैं। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, हमें प्रेरित करना, ठीक है। थर्ड है इसमें इट बूट्स लर्निंग, जो हम लाइफ में कुछ नया सीखते हैं उससे भी हम बहुत कुछ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उससे कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर सीखते हैं, जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से क्या करती है, चेंज कर देती है, डेवलप। दो चीजें होती है ना, इंसान या तो खुद इतिहास बन जाता है या इतिहास बनाता है, या तो खुद इतिहास बन जाएगा, यदि हिम्मत हार गया तो खुद ही इतिहास बन जाएगा,
यदि हिम्मत नहीं आ रहा, संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा, तो वो एक दिन क्या बनाएगा, इतिहास बना के जाएगा। तो इन चीजों में ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए कहा था कि कंप्यूटर की जो सब्जेक्ट इसमें पार्ट ए है, वो लाइफ ऑफ डिग्निटी को समझाने के लिए बताया गया है कि आपको अपने खुद की वैल्यूएशन को जानना है। किस धरती पे मैं आया हूं, एक दिन चला जाऊंगा, सब कुछ क्या है यही रह जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ इफेक्टिव ऐसा कुछ करके जाना है ताकि लोग या तो हमारे बारे में लिखे, या फिर ऐसा लिख के जाना है ताकि लोग हमारे बारे में पढ़े, या तो कुछ ऐसा लिख के जाओ ताकि लोग क्या करेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे, या कुछ ऐसा करके जाओ ताकि लोग आपके बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसलिए क्या करना है कि हमें कुछ बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में जानना है। पार्ट ए के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, हमें स्पोकन वर्ड्स को यूज करना है, स्पोकन लैंग्वेज को यूज करना है, हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये तो पार्ट ए में है, लेकिन बी पार्ट पूरा का पूरा कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज का मतलब पूरा कंसेप्ट कंप्यूटर का बेस ही है। यहां तक यदि किसी स्टूडेंट को डाउट एंड इश्यूज है तो बताइए। टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसमें जो क्वेश्चंस है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक, कि जो टाइप्स है फीडबैक के वो कौन कौन से है, और थर्ड यहाँ पे पूछा जाता है कि एक गुड फीडबैक इज वन दैट इज, इनमें से बहुत अच्छा फीडबैक किसे माना जाता है, पॉजिटिव फीडबैक को, जिनमें से स्पेसिफाइड टाइमली क्वालिटीज। राजनीति के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्या है कि यदि पॉजिटिव फीडबैक होगा तो हमें क्या होगा, ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट्स, वो हमें लाइफ टाइम क्या करता है, वो सपोर्ट करता रहता है। यदि मैं कोई भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, यदि वहां का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं यदि अच्छा काम करता हूँ तो वो मेरा जो काम करने का जो बेस है, मेरा वर्किंग मेथड है, वो बेस्ट है, तो उसी के बेस पे मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, उसमें मेरा प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, या देन उसके अलावा मुझे वो हर जगह क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, लगातार सपोर्टिंग रहेगा उससे रिलेटेड। और इसी में फोर नंबर क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक की इंपोर्टेंस ही क्यों है भाई, क्या जरूरत है, क्यों इंपोर्टेंट रखे फीडबैक को, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है कि ये एक भी मोटिवेट्स करता है हमें। फीडबैक क्या है, मोटिवेट्स करता है, इट बूस्ट्स लर्निंग, हम हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, हमें हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, देन इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कंटिन्यू, यदि हम लगातार उसी टॉपिक पे जुड़े रहते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस एक दिन क्या हो जाता है, बेस्ट होता है। क्लियर है, आज इसे कंप्लीट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। यस एनी डाउट, यस बेटा एनी डाउट, बिल्कुल। देखो हम चैप्टर वो जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी क्या चाहिए आपसे, क्या चाहिए बेटा, फीडबैक रेस्पॉन्स, तो वही चीजें हैं, पॉजिटिव फीडबैक। ओके थैंक यू सो मच बेटा, रफ कर दो इसे। ये क्या है अपना, इरेजर टूल, अकॉर्डिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, डस्टर नहीं है, इरेजर टूल। चाहे बेटा थोड़ा खा लेंगे, खाने का मतलब क्या हो, थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन समझ समझ के आगे चलेंगे ताकि हमें क्या है कि कोई दिक्कत ना रहे, फिर बाकी रिवीजन होगा, यदि हमारे स्कूल भूल जाएंगे तो फिर रिवीजन में हम दोबारा कंफर्म कर लेंगे। चलिए टाइम बच रहा है ना, हमारे पास बच रहा है बेटा, यस। फीडबैक में आगे है क्लासिफिकेशंस ऑफ फीडबैक, क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक, और इसी में डेफिनेशन, फीडबैक कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड, ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज इवेल्यूशंस और टीम।
इवैल्यूएटिव और डिस्क्रिप्टिव। In this section, will consultable on descriptive feedback. पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एज mentioned over can be in the form of written comments or oral conversations. एक ओरल एंड रिटर्न डिस्क्रिप्टिव और पॉइंट नंबर स्पेसिफाई स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफाइड फीडबैक। चलिए यहां तक एक बार समझते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ फीडबैक, कि क्लासिफिकेशंस क्या है फीडबैक के। भाई यहां हम बात कर रहे थे इंपोर्टेंसी ऑफ फीडबैक, या एक गुड फीडबैक क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक। यहां तक तो हमने कंप्लीट जान लिया है कि ये फीडबैक है क्या। अब हम जो बात कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या है फीडबैक का। यहां पे क्लासिफिकेशन जानने की जरूरत है। यस प्रवीण गुजर, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब नहीं करते किसी चीज को, वर्णन करना उस चीज का। ये ओरल मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, ओरल डिस्क्राइब कर रहा हूं, मतलब उस चीज का वर्णन कर रहा हूं। रिटर्न का मतलब आप लिख के आते हो, जैसे एसएसटी में क्या करते हो, हर एक चीज को डिस्क्राइब दी डिटेल्स, डिस्क्राइब से डिस्क्राइब करना मतलब क्या हुआ, उसमें उसी मेथड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहां क्या बताया गया, इसको डिस्क्राइब से रिलेटेड मतलब किसे, डिस्क्रिप्टिव मतलब इसका वर्णन करना है, वर्णनात्मक उस चीज का क्या करना है, उसे डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना, उसे एक्सप्लेन करना, उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी फिलहाल। क्लासिफिकेशंस ऑफ फीडबैक कि क्लासिफिकेशंस क्या है, तो यहां दिया गया है कि फीडबैक कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज इवैल्यूएटिव और डिस्क्रिप्टिव। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या दिया गया है, मोस्टली जो क्लासिफिकेशंस की जो बातें हो रही है, एक सेकेंड,
कि जो भी फीडबैक होगा यहाँ पे उस फीडबैक को क्या करना हमें फुल एंड फाइनल उसकी डिटेल्स को क्या करना है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। यदि क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशंस के अंदर हमने जैसे कि कोई भी एक टॉपिक पे डिस्कस किया उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास उसकी फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में से कुछ बताया जा रहा है, इंटरमीडिएट सेक्शंस में से हम कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं, नहीं। यदि आपसे जो पूरी चीजें पूछी गई हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उस चीज को डिस्क्राइब करना है। वही चीज क्या कहलाएगी आपकी क्लासिफिकेशंस, कि आपको शॉर्ट में न बता के फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन यदि आप उसको बताते हो तो वही चीज क्या कहलाती है आपकी क्लासिफिकेशंस ऑफ फीडबैक। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा पुटअप किया गया है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि नीम का थाना क्या है, तो नीम का थाना में कुछ छोटा सा नहीं बताना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बतानी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन जहां आप बता देते हो तो वहां आपका ये जो क्वेश्चन होता है वो क्लासिफिकेशन के बेस पे हो जाएगा कि आपने जो इसका जो फीडबैक दिया, इसका आंसर दिया है, वो आंसर कौन से मेथड्स के अकॉर्डिंग दिया है, वो क्लासिफिकेशन के मेथड्स के अकॉर्डिंग उन चीजों को आपने क्या किया है अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और इसी से रिलेटेड क्या दिया गया है कि जो देखो ये रहा इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन मतलब कोई भी इस क्लासिफिकेशन सेक्शन में क्या होता है मोस्टली वी वेल कंसर्टेबल ऑन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। कि कंसर्टेबल, कंसर्टेबल का मतलब होता है कि उसको हर तरीके से तोड़ मरोड़ करके उन चीजों को पूरी तरीके से समझाना, मतलब कि फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जो फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन होगी वो जो हम सामने वाले को जब बताते हैं वही पार्ट क्या होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ फीडबैक। वो पार्ट क्लासिफिकेशन इसलिए होगा क्योंकि हमने जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने उसको बता दी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। हम कह के नहीं आते क्या कि बहुत बार हम किसी के घर जाते हैं तो मोस्टली होता है कि मैंने तो वहां पे सारी चीजें उनको बता के आ गया, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने तो। एग्जाम होती है तो एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, मैंने तो सारा पेपर ऐसे कैसे करके आए, आशीष चौधरी कंप्लीट पेपर ऐसे करके आए कि उसमें कोई भी चीजें आया था कल, पारसी प्रवीण गुजर आया था कल पारसी, क्या है ये तो आप चैटिंग करने में बिजी हो गया। पसंद कर लो, अच्छा नेट तो चल रहा है, ऐसे क्लास में होता है तेरा नेट नहीं चल रहा है हिमांशु, क्या बात है पर्सनली चैटिंग हो रही है बेटा, ये पर्सनली चैटिंग है ना आपकी, रिकॉर्डेड है और ये मेरे पास में नहीं है, ये वहां पे मैनेजमेंट के पास भी है। दिमाग हर कैसे चैटिंग मत करो यहाँ पे, नहीं ये प्राइवेसी हटा लेंगे, हर कैसे चैटिंग मत करो, अटेंडेंस आपकी रोज चेक की जाती है, इसके अलावा आपकी चैटिंग्स भी रीड की जाती है। वाह सर के पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है उनके पास, ऑनलाइन क्लासेस का फीडबैक लेते हैं वो, जो फीडबैक देख रहे हैं टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या फीडबैक दे रहे हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसलिए आप कमेंट्स ऐसे कीजिए जो आपके लिए कैसे हो, पॉजिटिव हो ना कि नेगेटिव, समझ रहे हो इस बात को। यस फटाफट समझ लीजिए, दो लाइनें और है उसके बाद में क्लास में एंड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है वो क्या है कि देखिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एज mentioned can be in the form of written comments or oral conversations। मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की जो हम बात करें, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे पूरा उसका वर्णन कर रहे हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन, मतलब कि यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रख रहे, मतलब छोटी सी चीज के लिए, मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा है तो आप छोटा सा आंसर देके आते हो, तो नहीं ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन कैसा है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका, वहां आपको करना क्या है कि उन चीजों को क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि उसको पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, उसकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे उसको पूरे तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। तो वो जो होता है वो ओनली देयर आर टू टाइप्स के मेथड्स के अकॉर्डिंग होगा, ओनली टू टाइप्स के मेथड्स, और जो टू टाइप्स के मेथड्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी टॉपिक को यदि फीडबैक देते हैं, जैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और वहां लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के अकॉर्डिंग होगा। हम एग्जामिनर सेंडर हैं और हम क्या है रिसीवर है, तो हम क्या करते हैं वहां पे मोस्टली हमारे पास एग्जाम में ओनली फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव होगा,
ओनली फॉर रिटर्न रिटर्न ही होगा। वहां पे हम उन डिटेल्स को क्या करेंगे, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि लिख के ही उन चीजों का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। और यदि एक असेंबली होती है तो उस असेंबली में यदि आपको एक टॉपिक दे दिया गया कि नेशनल वुमेन्स राइट डे, या फिर आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर आपको क्या करना है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर आपको कुछ एक डिस्क्राइब करना है, मतलब उससे फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन आपको बतानी है, तो आप वहां पे ओरल कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, उस चीज का, उस टॉपिक का वर्णन कर दो। आपसे पूछा सर ने कि जो ये कोविड है तो कोविड कहाँ से उठा है, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब उसका पूरा वर्णन करना है, लेकिन वो क्या है, दो पैटर्न में होगा। या तो आप ओरल कम्युनिकेशंस में क्या करोगे, फेस टू फेस स्पोकन वर्ड्स को यूज करके आप उन चीजों को क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दोगे, या फिर रिटर्न का मतलब उसको लिख के आप पूरी इंफॉर्मेशन देने को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और वो ही क्या कहलाएगा, हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ फीडबैक। भाई क्लासिफिकेशंस की बात का मतलब मैंने बताया कि पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन का जवाब देना। फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन का क्या देना है, हमें जवाब देना, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा क्लासिफिकेशंस। शॉर्ट में जवाब दे रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन नहीं कहलाएगा। जिस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें फुल एंड फाइनल जानकारी होती है, उसी चीज को हम पूरी तरीके से बताने में सक्षम होते हैं, वही पार्ट हमारा, मतलब वही जो फीडबैक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। और उसी क्लासिफिकेशंस में हम क्या करते हैं, हर एक जो टॉपिक है उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब उसका वर्णन करना, उसे विस्तार पूर्वक समझाना। तो वो या तो आप करोगे ओरल के थ्रू या करोगे रिटन के थ्रू, उन्हीं चीजों को। और एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो होगा स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ये तो कैसा था, ये नॉन नहीं है, ये तो कैसा है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, लेकिन ये कैसा होगा, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। और ये जो हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, बाकी ये जो नॉन स्पेसिफिक फीडबैक है ये आज की क्लास में मैं आपको भेज दूंगा। इस चैप्टर का ध्यान से सुनिए, लिसन, इस यूनिट में सेशन नंबर सेकंड, ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें 3 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है इसमें, 3 लाइन्स है, मतलब 3 पॉइंट और है इस टॉपिक में, तो यहां तक हमारा कंप्लीट सेशन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ये इतना ही था, फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, सेकंड है तो सेकंड के नोट्स आपको स्टडी मटेरियल और आपके असाइनमेंट में मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिलेगी, असाइनमेंट में भी पीडीएफ मिलेगी। आपको अपना वर्क राइट करना है अपनी नोटबुक में। आप लोग क्या करते हो मुझे तो समझ में नहीं आता, जो मैंने आपको पीडीएफ दी, जो मैंने आपको बोर्ड की पिक्चर क्लिक करके दी, वही मुझे वापस भेज रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो भगवान, आप क्या कर रहे हो फिर उसमें, भाई जो चीजें मैं आपको भेज रहा हूँ वही चीजें मुझे वापस रिटर्न भेज रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको पेयर नोटबुक में जो चीजें मैंने आपको भेजी है वो राइट करना है, और वो प्रॉपर चेक होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं जो आगे जाके कंप्लीट मार्क्स बनेंगे। समझ रहे हो इस बात को, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर कहोगे सर मेरे तो ये इतने मार्क्स कैसे आए, तो मेरे पास ऑप्शन है, रिकॉर्डेड है, सारी चीजें सेव है ऑलरेडी, तो इसलिए मेरी चीजें मुझे वापस मत भेजो, मतलब मैंने जो आपको दिया है उसको अपनी हैंड राइटिंग से राइट करो फिर मुझे वापस भेजो, वो असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा। और बाकी अदरवाइज आपका सेशन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है। अब जो हम कल की क्लास, मतलब मंडे को जो क्लास होगी, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर थर्ड, पार्ट ए यूनिट फर्स्ट और सेशन नंबर थर्ड का डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ये 3 पॉइंट है, बहुत इजी है, मैं आपको राइट करके भेज दूंगा, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगे, बहुत इजी पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। यस, कोई डाउट बता दीजिए फटाफट, या टेल मी। नहीं, रेगुलर जो आज पहले का तो कर रखा है, सिर्फ आज आज का रेगुलर भेजना है आपको, रोज जो आपको भेजा जाता है। और कुछ डाउट, अटेंडेंस भी भेजेंगे, रोज भेजते हैं तो आज भी भेज देंगे अटेंडेंस। और कुछ, एनी डाउट्स बेटा, यदि बुक से रिलेटेड डाउट है तो मैंने पार्ट ए की पीडीएफ भेज रखी है, देख लो उसको डाउनलोड करके। यदि बुक बोलते हो ना सर बुक नहीं है मेरे पास, तो पार्ट ए तो भेज रखा है व्हाट्सएप पे, उसमें क्या दिक्कत हो रही है गणेश,
डाउनलोड नहीं हो रही? अरे वहां तो इजी वे में डाउनलोड हो जाएगी, वहां स्टोरेज कम यूज होता है, व्हाट्सएप पे पूरा स्टोरेज होगा। कोशिश कर लेना, नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एनी डाउट्स? ओके बेटा, बी अलर्ट, बी सेफ, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय बेटा, टेक केयर।